हेलो क्लास नाइन्थ, वर्कशीट 13 आ गई है। 3 अगस्त 2020 की वर्कशीट है। वी आर डूइंग द एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़। वी हैव डन टू आइडेंटिटीज़, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर एंड एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। टुडे वी आर गोइंग टू डू द थर्ड आइडेंटिटी विच सेज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। सो हियर इज द क्वेश्चन चिल्ड्रन, वॉट विल बी द वैल्यू ऑफ 11 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर। सर इट इज़ वेरी इजी। 11 स्क्वायर गोना बी 11 इंटू 11 121 एंड 5 इंटू 5 माइनस 25, तो इट्स गोन बी 96. Very good, Sonu. Now tell us, what is the value of 221 square minus 211 square? Sir, it will take time to solve this question. Oh, Sonu, its solution is very easy. The solution is as follows. यहाँ पर देखिए solution जो दिखाया गया है, 221 square minus 211 square is equal to 221 plus 211 और 221 minus 211, 432 गुना 10, 4320. I solved this question by using an algebraic identity. What is the algebraic identity? ये रही वो algebraic identity या formula जो हम सीखने वाले हैं. X square minus y square is equal to x plus y x minus y. Sir, explain this algebraic identity to us. इसको हमें भी सिखाइए भाई. क्या है ये algebraic identity? इसे हमें भी सिखाइए. चलिए सीखते हैं. एक्सप्लेन दिस एलजेब्रिक आइडेंटिटी टू अस. इसको सीखते हैं. चलिए चलते हैं आगे. ओके किड्स, नाउ टेल अस टुगेदर टू अंडरस्टैंड दिस एलजेब्रिक आइडेंटिटी. चलिए इसको पहले सॉल्व करते हैं और इसको प्रूव करते हैं कि आइडेंटिटी ठीक है कि गलत है. यहाँ पर प्रूव दिखाया हुआ है कि क्या ये फॉर्मूला ठीक है. इन्होंने दिखाया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई. तो हमने ये वाली लेफ्ट हैंड साइड ली है, राइट हैंड साइड को यहाँ लिखा है एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई. एक्स को पहले एक्स माइनस वाई से किया, फिर वाई को एक्स माइनस वाई से किया, ऐसे मल्टीप्लाई. तो एक्स प्लस, यहाँ पर देखिए एक्स प्लस, पहले एक्स को इससे मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर आ जाएगा, माइनस एक्स वाई, फिर प्लस एक्स वाई और माइनस वाई स्क्वायर, ये ऐसे आ जाएगा. इफ़ एक्स वाई से ये वाला एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. तो यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई. ये प्रूव हो गया, क्योंकि ये अगर गुणा करो तो यही आता है, यानी कि आइडेंटिटी क्या है, सही है, ट्रू है. क्या है? ट्रू है, हैंस प्रूव्ड. चले चलते हैं आगे. यहाँ पर दिए हैं एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल जिसको हम इजीली अब सॉल्व कर सकें, क्योंकि अब हमारे पास एक आइडेंटिटी है जिससे हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं. देखिए 29 स्क्वायर माइनस 13 स्क्वायर, 29 प्लस 13, 29 माइनस 13, 42 इंटू 6, 16, 16 टू 32, 16 फोर 64 और 3, 672. इट्स फाइन एनफ, फेयर एनफ. लेट्स चलिए आगे. 101 स्क्वायर माइनस 99 स्क्वायर, व्हाट डज इट से? 101 प्लस 99 एंड 101 माइनस 99, इट्स ट्रांसफर 200 इंटू 2, दैट कम्स आउट टू बी 400. क्या आएगा? 400. अगला क्वेश्चन कहता है x माइनस 4 एक्स प्लस 4. सीधा फॉर्मूला लगाइए, एक्स स्क्वायर माइनस 16 हो जाएगा. एक्स स्क्वायर माइनस 16, ये एक्स स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 16. अगला क्वेश्चन करते हैं. अगला क्वेश्चन कह रहा है 3 माइनस 2x, 3 प्लस 2x, 3 का स्क्वायर और 2x का स्क्वायर, 9 माइनस 4x स्क्वायर. ठीक है, बिल्कुल सही. अगला क्वेश्चन करते हैं. यहाँ पर आते हैं, अब हमारी बारी, आपको करके दिखाना है. चलिए शुरू करते हैं बच्चे. पहला क्वेश्चन कहता है 47 स्क्वायर माइनस 43 स्क्वायर. ध्यान से करेंगे, 47 स्क्वायर माइनस 43 स्क्वायर को कैसे लिखेंगे बच्चे? इसको लिखेंगे ऐसे, 47 प्लस 43 इंटू 47 माइनस 43. 47 प्लस 43 इज 90, ये हो जाएगा 4, 4 9 जा 36, ये हो जाएगा 360. आप इसको मैनुअली निकाल के भी देख सकते हैं क्या ये सही आता है कि नहीं आता है. आप 47 इंटू 47 कीजिए, 43 माइनस 43 कीजिए. अब देखिए ये फॉर्मूला सही है कि गलत है. अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं. अगला क्वेश्चन कहता है 100 स्क्वायर अगला क्वेश्चन कहता है बच्चे 100 स्क्वायर माइनस 99 स्क्वायर. 100 माइनस 100 प्लस 99 और 100 माइनस 99, ये हो जाएगा बच्चे 199.
ये हो जाएगा 1, इट्स गोना बी 199। इसको सॉल्व करके देखें एक बार, क्या ये सिद्ध होता है कि नहीं। लेट्स ट्राई एंड प्रूव इट। आंसर शुड बी 199। आंसर शुड बी 199। ये हमारा प्रीवियसली आया है। अब देखिए 100 का स्क्वायर होता है बच्चे 10,000, 99 का स्क्वायर आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो 98101, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 199 आने वाला। 10 में से 9, 9 यहाँ पर, यहाँ पर 1, यहाँ पर 9 बचा, तो 9 - 9 0। ठीक है, तो ये सेक है, यानी कि ये थ्योरम, ये सवाल जो हम ऐसे कर रहे हैं, ये बिल्कुल ठीक है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कहता है बच्चे x प्लस टू और x माइनस टू, एक्स प्लस टू और x माइनस टू, एक्स स्क्वेयर माइनस टू स्क्वेयर, तो हो जाएगा बच्चे एक्स स्क्वेयर माइनस फोर। क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वेयर माइनस फोर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चे। अगला क्वेश्चन कह रहा है 3x माइनस वन और 3x प्लस वन, तो 3x का स्क्वेयर माइनस वन का स्क्वेयर, ये हो जाएगा 9x स्क्वेयर माइनस वन, 9x स्क्वेयर माइनस वन। कोई दिक्कत नहीं, चलिए हो गया कंप्लीट। आपकी एक्सरसाइज में, बुक में भी जो क्वेश्चंस दिए होंगे वो भी आपको अटेम्प्ट करने हैं, ताकि आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरह क्लियर हो जाए। अगर कोई डाउट बचता है तो पूछिएगा कमेंट बॉक्स में, कोई सवाल आप पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। बाकी वर्कशीट्स को शेयर करते रहिए, अपने दोस्तों को भी भेजिए, ताकि ये कोई अगर उनको भी मन में भी डाउट है, वो सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, तो आप फ्रेंडशिप डे वाले दिन उनकी हेल्प कर सकें एज अ गुड फ्रेंड। तो मिलते हैं नई वर्कशीट के साथ, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग एंड कीप ग्रोइंग। बाय बाय, टेक केयर।